हेलो बच्चों, आज हम क्लास 6 to 8 की वर्कशीट नंबर 49 करेंगे। डेट है हमारे पास इस वर्कशीट की 31/8/2020। ये इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों की एक ही वर्कशीट है, ठीक है। देखो, जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ लिखा है थीम, तो इस वर्कशीट का आज का थीम क्या है? डिस्क्राइबिंग वेदर। आपको यहाँ पर आज की वर्कशीट में वेदर डिस्क्राइब कर रखा है, तो चलिए देखते हैं हम। जैसे आप देख रहे हो टास्क आपको कुछ दे रखे हैं। टास्क ए है हमारे पास, रीअरेंज द लेटर्स ऑफ द वर्ड्स एंड गेस द वेदर। आपको क्या करना है, जो ये लेटर्स आपको गिवन है इनको रीअरेंज करना है सबको, ठीक है। और उसके बाद बताना है कि कौन सा वेदर है। तो आप देखो, ये पिक्चर को देख के बता सकते हो बहुत आसानी से ये कौन सा वेदर है। तो ये हमारा सनी वेदर है, तो बस हमने इसको रीअरेंज कर दिया, लिख दिया हमने सनी, ठीक है ना। जब आप रीअरेंज करोगे तो सनी आएगा। नेक्स्ट देखो, आप पिक्चर में देखो, आप यहाँ पर ऐसा नहीं लग रहा है ना, हवा चल रही होगी तभी तो ये ऐसे हो रहा है, पेड़ पेड़ और ये देखो सब कैसे हो रहे हैं। तो ये कौन सा वेदर होता है? तो ये है मेरा विंडी वेदर, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। आपको क्या दिख रहे हैं यहाँ पर इस पिक्चर में? बहुत सारे क्लाउड दिख रहे होंगे, तो ये कौन सा वेदर हुआ मेरे पास? क्लाउडी वेदर। बहुत आसान है, आपको बस ये अरेंज करना है इस पिक्चर को देख के। ये देखो, ये तो आपको देख के पता चल रहा है यहाँ बारिश हो रही है, तो ये कौन सा वेदर है मेरे पास? रेनी वेदर, ठीक है। तो ये हमने टास्क वन अपना कंप्लीट कर लिया। चलो टास्क बी देखते हैं, अब क्या है हमारे पास। टास्क बी है हमारे पास, हाउ इज द वेदर टुडे। आपसे पूछ रहे हैं कि आज का वेदर कैसा है, तो आप इनमें से कोई सा भी बता सकते हो, क्लाउडी, सनी, रेनी, पार्टली क्लाउडी, विंडी, एनी अदर। जैसे मैंने लिख दिया टुडे द वेदर इज क्लाउडी, मैंने आज का वेदर लिख दिया कि आज का वेदर क्या क्लाउडी है, ठीक है ना। आप इसमें सनी भी लिख सकते हो और कोई सा भी लिख सकते हो, ठीक है। चलिए टास्क बी भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम आते हैं अपने टास्क सी पे। टास्क सी है हमारे पास यहाँ पर, रीड द फ्रेजेस गिवन बिलो, राइट देम इन द एप्रोप्रिएट कॉलम इन द टेबल। देखो यहाँ पर आपको ना ये कुछ फ्रेजेस गिवन है, कह रहा इन्हें रीड करो और उसके बाद आप क्या करो, आपको यहाँ पर कॉलम दे रखे हैं दो, व्हाट यू कैन डू और व्हाट यू कैन नॉट डू या कांट डू। मतलब जैसे आपको यहाँ पर वेदर दे रखा है ऑन अ हॉट सनी डे, हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए वो हमको इसमें से ढूंढना है, जो ये वाले हैं इनमें से ढूंढ के लिखना है, ठीक है। तो देखो मैंने यहाँ पर ये फिल कर रखा है ऑन अ हॉट सनी डे, तो सनी डे मतलब बहुत गर्मी वाला दिन ना, तो एंजॉय अ कोल्ड ड्रिंक, हमें कोल्ड ड्रिंक पीनी चाहिए। और क्या उस दिन हम स्वेटर पहनेंगे? नहीं। तो व्हाट यू कांट डू, वी आर अ स्वेटर, ठीक है। तो ये देखो मैंने यहीं से लिया, ये यहाँ कहाँ है, ये देखो एंजॉय या कोल्ड ड्रिंक ये ना और वी आर अ स्वेटर ये रहा, ठीक है। तो आपको इन्हीं फ्रेजेस में से उठा के यहाँ पर इन कॉलम्स में पुट करना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। ऑन अ क्लाउडी डे, क्लाउडी डे है तो क्या करें, वॉच द क्लाउड्स हम कर सकते हैं, सी द सन, जब क्लाउडी डे है तो क्या सन दिखेगा हमको? नहीं ना, तो वो हम नहीं कर सकते, इसलिए मैंने यहाँ लिख दिया सी द सन, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं। ऑन अ विंडी डे मतलब जिस दिन हवा चल रही हो बहुत, तो फ्लाई अ काइट ये हम कर सकते हैं, पर क्या हम रेनबो देख सकते हैं उस दिन? नहीं, रेनबो नहीं देख सकते हम, जब बारिश हो तभी देख सकते हैं हम रेनबो वैसे। तो मैंने व्हाट यू कैन नॉट डू में लिख दिया सी या रेनबो, क्योंकि हम ये नहीं कर सकते, ठीक है। ऑन अ रेनी डे, अब बारिश वाला दिन आ गया तो हम क्या करेंगे, अम्ब्रेला यूज करेंगे, यूज अम्ब्रेला, ठीक है ना। और क्या नहीं करेंगे, गो आउट विदाउट एन अम्ब्रेला, ये विदाउट है यहाँ पर आई आएगा, ठीक है, आप लगा लेना विदाउट एन अम्ब्रेला, ठीक है ना। तो बिना अम्ब्रेले के थोड़ी हम जाएंगे जब रेनी डे, हमें पता है रेनी डे है तो, ठीक है। तो जो ये फ्रेजेस आपके पास यहाँ लिखे हैं, बस मैं इनको क्या कर रही हूँ, इन जो भी मुझे ये वेदर दे रखे हैं इसके अकॉर्डिंग जो मैच हो रहे हैं वो यहाँ पर मैं इन कॉलम में फिल करती जा रही हूँ, ठीक है। चलो लास्ट वाला भी देख लेते हैं। ऑन अ फॉगी डे, फॉगी डे मतलब जिस दिन बहुत धुंध हो, ठीक है ना, जैसे सर्दियों में होती है नॉर्मली, तो क्या करना चाहिए, वॉक और ड्राइव केयरफुली ऑन द रोड, अगर हम कहीं पर जा रहे हैं, ठीक है, तो हमें ड्राइव केयरफुली करनी चाहिए, या फिर अगर हम पैदल जा रहे हैं तो हमें केयरफुली जाना चाहिए। और क्या उस दिन में हमको पतंग उड़ानी चाहिए? नहीं। तो व्हाट यू कांट डू, तो फ्लाई अ काइट, ठीक है। तो ये जरूरी नहीं है कि जो ये फ्रेजेस आपके पास लिखे गए वो एक बार ही आएंगे इस बॉक्स में, नहीं रिपीट भी हो सकते हैं। जैसे आप देख रहे होंगे मैंने फ्लाई या काइट रिपीट किया है, ठीक है। तो आप इसको अपने अकॉर्डिंग भी भर सकते हो, लेकिन मोस्टली आपके आंसर्स भी यही होंगे,
कुछ एक आधा अलग भी हो तो कोई दिक्कत नहीं है, बट इन वेदर से वो मैच होना चाहिए, ठीक है ना, कि हम क्या कर सकते हैं उस दिन और क्या नहीं कर सकते। ठीक है, चलिए अब हम अपना लास्ट टास्क देखते हैं। टास्क है हमारे पास, लेट्स मैच द वर्ड्स विद द करेक्ट पिक्चर। आपको क्या करना है, यहाँ पर कुछ पिक्चर्स दे रखी हैं, ठीक है, और इनको इनसे मैच करना है, ठीक है ना। देखो ये आपको दिख रहा है फर्स्ट वाला, क्लाउड भी दिख रहे हैं और सन भी दिख रहा है थोड़ा बहुत, तो ये आपका पार्टली क्लाउड, ठीक है। सेकेंड वाला देखो, ये तो आपको देख के ही पता चल रहा होगा क्या हो रहा है, थंडर एंड लाइटनिंग हो रही है यहाँ पर, ठीक है ना। थर्ड वाला देखो, यहाँ पर थोड़ा फॉगी फॉगी सा लग रहा है ना, धुंध जैसा, तो ये आपका फॉगी, ठीक है। लास्ट वन जो ये बचा, ये आपका हेलस्टॉर्म। इसका मतलब होता क्या है, इसका मतलब होता है बहुत तेज बारिश आना। तो यहाँ पर आपको ये कुछ ओले दिख रहे होंगे, मतलब तेज बारिश आना, वो भी ओलो वाली, तो इसलिए हमने इसको इससे मैच कर दिया, ठीक है। तो ये थी आज की आपकी वर्कशीट, वर्कशीट नंबर 49। इसकी नेक्स्ट वर्कशीट 6 to 8 की हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।